बच्चों आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का ये वीडियो तुमको तुम्हारे मार्क्स लाने का जो तरीका है वो बताने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक चीज़ ये अच्छे से अपने माइंड में बैठा लो, आपके अंदर अगर बहुत नॉलेज है, अगर आपके अंदर बहुत नॉलेज है और अगर उस नॉलेज को आप प्रेजेंट नहीं कर पाए तो वो नॉलेज क्या है, किसी काम की नहीं है। तो देखो, तुम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो और उस बोर्ड एग्ज़ाम में अगर तुमने अपने आंसर को एक बेटर वे में प्रेजेंट नहीं किया, तुमको आंसर लिखने का एक सही तरीका नहीं आता है, तो फिर ये पक्का था कि तुम्हारे जो मार्क्स है वो कम होने वाले हैं। तो तुमने पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा किया लेकिन तुम्हारा रिजल्ट क्या कम आएगा। तो देखो, हम जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स आए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि तुमको अपने आंसर को बेस्ट वे में क्या प्रेजेंट करना है। अगर तुम फिजिक्स के आंसर लिख रहे हो तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आंसर दो, अगर तुम केमिस्ट्री लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। तो कुछ चीज़ें समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जितनी आपने मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या मार्क्स ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर तुम फिजिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो देखो फिजिक्स के एग्ज़ाम में क्या है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उस क्वेश्चन के लिए डायग्राम और फॉर्मूला। अगर कोई भी क्वेश्चन आया है तो उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है तुम्हारा डायग्राम और तुम्हारा फॉर्मूला। और अगर तुम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हो और तुमको अपना आंसर देना है तो लास्ट स्टेप में जब भी आंसर देते हो तो वहाँ पर यूनिट लिखना क्या है, मैंडेटरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो वहाँ पर आपके मार्क्स क्या डिडक्ट होने हैं। तो अपने अगर मार्क्स डिडक्ट होने से बचाना है तो तुमको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आया है अगर उसमें तुम्हारा जो फॉर्मूला वगैरह है, डायग्राम है, एग्जाम्पल है तो उसको ज़रूर और ज़रूर लिखें। और अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो लास्ट में तुमको यूनिट वगैरह क्या है लिखना ही है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देखो कोई भी क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले तो तुमको क्या है, जो भी डेफिनेशन वगैरह होती है वो रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसके साथ में उसको सपोर्ट करने वाली एक केमिकल रिएक्शन वो देना इम्पोर्टेंट है। और केमिकल रिएक्शन में ध्यान ये देना है कि अगर किसी कंपाउंड की, किसी एलिमेंट की अगर प्रेजेंस है रिएक्शन में तो उस प्रेजेंस को लिखना मैंडेटरी है। कोई अगर नेम्ड रिएक्शन है और उसमें कोई टेम्परेचर का कोई टर्म आया हुआ है, कोई एक टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 150 डिग्री सेल्सियस, तो उसको रिप्रेजेंट करना क्या मैंडेटरी हो जाता है। बिकॉज नेम्ड रिएक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जैसी है वो वैसी ही रहने वाली है। उसमें अगर आप छेड़छाड़ करोगे, एक दो टर्म नहीं लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स के डिटेक्ट हो जाएंगे। तो तुमको ये चीज़ क्या है, अच्छे से अपने माइंड में छाप लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है तुम्हारा मैथ्स का पेपर या बायोलॉजी का पेपर। अगर देखो मैथ्स का पेपर है तो तुमको सारे स्टेप को एक्सप्रेस करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं। तो बेटा शॉर्ट में क्यों करना है, अगर आपके आंसर में कई स्टेप हो सकते हैं तो वो सारे स्टेप लिखिए। अगर स्टेप नहीं बन रहे हैं तब आप कर सकते हो शॉर्ट में, लेकिन अगर स्टेप आपको पता है, आप जानते हो, तो सारे स्टेप को करिए। क्योंकि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है। जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतने ज़्यादा तुम्हारे क्या मार्क्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन का आंसर क्या रॉन्ग आ गया, लेकिन आपके स्टेप क्या सही है, लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप मान के चलो अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टेप ही नहीं लिखे होंगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 2 या 3 मिलेंगे फिर। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। तो स्टेप पूरे लिखना क्या ज़रूरी है, स्टेप को स्किप नहीं करना है। और इनकेस अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में ध्यान ये देना है कि बायोलॉजी में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया तो उसके सपोर्ट में एक डायग्राम जरूर बनाएं। देखो बायोलॉजी का मतलब ही है कि अगर आप चीज़ों को डायग्राम के बेसिस पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भाई तुमको बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो रिप्रेजेंट करना इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो डायग्राम को बिल्कुल स्किप ना करें। और इसके साथ में अगर तुम्हारे पास कोई एक एग्जाम्पल हो सकता है उसको सपोर्ट करता हुआ क्वेश्चन को, तो उस एग्जाम्पल को जरूर दें। और अगर तुम्हारे पास कोई एक हाईलाइटेड पॉइंट है तो उसको क्या करें, बादल थोड़ा सा बना दें और उसमें क्या है,
लिख दें। जैसे आप बुक में देखते होंगे कि छोटे बच्चों की बुक में लिखा रहता है, कहीं बादल बना रहता है, कहीं स्टार बना रहता है, उसके अंदर लिखा रहता है, तो वो चीज़ें आप भी कर सकते हो। कहने का मतलब है अपने आंसर को इतना क्रिएटिव बनाओ कि एग्जाम ना पढ़ने वाला खुश होके तुरंत नंबर दे दे, उसको सोचना ना पड़े। देखो जितना क्रिएटिव कर सकते हो उतना क्रिएटिव करो। तो तुमको ध्यान रखना है जो भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हो उस सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग करो। और बेटा अगर तुम्हारा इन केस कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में ध्यान रखना है कि तुम्हारे जो कॉलन होते हैं, सेमी कॉलन होते हैं, जो तुम्हारे फंक्शन का साइन होता है, वो कब कहाँ कैसे लगाना है, ये चीज़ तुमको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जो तुम्हारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो भी तुमको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर क्लियर होंगे तो तुम क्या है प्रॉपर में लिख पाओगे, अदरवाइज क्या रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पेपर में तुमको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और बेटा कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो उसमें कोशिश करो कि तुमको कटिंग कहीं ना करनी पड़े। देखो जब कोई बच्चा एक बार क्वेश्चन को कट करता है उसी क्वेश्चन को दोबारा करता है तो कहीं ना कहीं माइंड में एक बात जाती है, इस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता था, तो एग्जामिनर क्या करता है उसी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से चेक करता है। और बेटा जब भी कोई चीज़ ध्यान से चेक की जाएगी तो उसमें गलतियां फिर निकल आएंगी, और जब गलतियां निकल आएंगी तो फिर वहीं पे तुम्हारे मार्क्स के कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर सोच लीजिए कि आपको कौन सा आंसर देना है, और अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर क्या रॉन्ग हो सकता है तो पहले एक बार सोच लीजिए उसके बाद लिखिए, क्योंकि आपको काटना नहीं है। और अगर इनकेस कोई एक शब्द गलत हो जाता है तो तुमको केवल एक लाइन चलाना है, उसको रंगना नहीं है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं एक शब्द गलत हो गया उसको ऐसे काटेंगे, तीन चार बार काटेंगे फिर उसको ऐसे करेंगे, तो वहीं पे क्या है एग्जाम तुमको क्या आसानी से पकड़ लिया कि भाई इस बच्चे ने इस पॉइंट में यहाँ गलती करी है, और वहीं पे वो एग्जाम में क्या करेगा सर्किल बना देगा, और सर्किल बनाने के बाद वहीं पे मार्क डिडक्ट कर देगा। तो ध्यान देना है तुमको, तुमको अपने एग्जाम में अच्छे से फोकस करना है। अगर तुम अच्छे से फोकस करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या है इम्प्रूव होगा ही। और बेटा रिजल्ट लाना काफ़ी आसान है, बस ध्यान देना है कि अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करना है। एग्जामिनर नहीं जानता है कि तुम अपने स्कूल के टॉपर हो या एवरेज बच्चे हो या मॉडरेट बच्चे हो या तुम क्या है वीक बच्चे हो। एग्जामिनर कुछ भी नहीं जानता है, एग्जामिनर को ये तक पता नहीं होता कि तुम लड़का हो या तुम लड़की हो, उसको कुछ भी नहीं पता है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि ये तुम्हारी कॉपी है और इस कॉपी को चेक करना है। अगर तुमने सही लिखा होगा, अच्छे से रिप्रेजेंट किया होगा तो तुम्हारे मार्क्स क्या ज़्यादा आ जाएंगे। इसलिए तुमने कई बार देखा भी होगा जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर थे उनके मार्क्स ज़्यादा आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने अपने आंसर को बेटर वे में बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि कौन वीक है कौन पढ़ने में एक्सीलेंट है। तो इसे ध्यान रखना है, अगर अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो अपने आंसर को बेटर वे में प्रेजेंट करना है। और बेटा अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं एक चीज़ तुमसे ये भी कहूँगा कि सैम्पल पेपर को जरूर करना। बेटा एक हमारे पास सैम्पल पेपर की बुक है एड का जोन की, इसमें बेटा 10 सैम्पल पेपर दिए हुए हैं। तो बेटा अगर तुम 10 सैम्पल पेपर करोगे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे तुम 10th में हो चाहे तुम 12th में हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे जो क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए तुमको सैम्पल पेपर 10th के लिए और 12th क्लास के लिए जरूर करनी चाहिए। बेटा 10 सैम्पल पेपर इसमें अवेलेबल हैं, तो आप इनको जरूर करें जिससे कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। और बेटा तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछें। और बेटा ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएँ, क्योंकि आपके लिए मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।